हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में बेकाबू होता कोरोना, कल एक दिन में कोरोना के 32,000 नए मामले सामने आए, 606 लोगों की जान भी गई। देश में अब तक 9.5 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, देश में 4-5 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, साल के अंत तक वैक्सीन आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना से 63% लोग ठीक हो गए हैं, दूसरे देशों के मुकाबले मौत भी कम हुई। एम्स में ओपीडी का हर्षवर्धन ने आज किया उद्घाटन। बिहार में आज से 15 दिन का लॉकडाउन लागू हो गया, पटना में दुकानें और बाजार बंद दिखे, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग जेल में 196 में से 92 कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कश्मीर में सख्त लॉकडाउन लागू है, यहां कल 500 नए कोरोना केस आए। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में कोरोना संक्रमण फैल गया है, यहां 8 पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेंगलुरु में कोरोना मामले बढ़ने से यहां कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। पूरे कर्नाटक में कोरोना के करीब 50,000 केस आ चुके हैं। बिहार के सुपौल में डॉक्टर ने पेश की जज्बे की मिसाल, पानी के बीच ठेले पर बैठकर मरीजों का इलाज करने गए। मुंबई में आज भी बारिश से परेशान हुए लोग, जोरदार बारिश के बाद अंधेरी सबवे पर पानी भर गया, आने जाने वाली गाड़ियों को हुई दिक्कत। मुंबई में आज बारिश के बीच 2 इमारत गिरी, मलाड इलाके और सीएसटी के पास हुआ हादसा, 1 मौत, कई लोग बचाए गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चट्टान टूटने से बड़ा हादसा, चट्टान के पत्थर एक कच्चे घर पर गिरे, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से रास्ता बंद, बीती रात तेज बारिश के बाद आई ये आफत, रास्ता खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के बडकोट में तेज बारिश के बाद लोगों की मुश्किल भरी, होटल के कमरों में भर गया पानी, सड़क पर यातायात भी ठप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से बड़ी है आफत, नदी के उफान पर आने की वजह से गुवाहाटी के पास कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ में लापरवाही का मामला सामने आया, पुल ना बनने से लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर, गहरी नदी पार करनी पड़ रही है। दिल्ली में मानसून के बावजूद बारिश नहीं हो रही, मौसम विभाग ने कहा है अगले कुछ दिनों में बादल बरस सकते हैं। भूकंप आने का सिलसिला नहीं थम रहा, आज गुजरात के सौराष्ट्र में 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। ओडिशा के मलकानगिरी में स्कूल टीचर के घर से 9 फीट लंबा अजगर सांप निकला, अजगर को पकड़कर वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंभीर मरीज को कंधों पर अस्पताल ले जाना पड़ा, वीडियो सामने आया, सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, प्रशासन ने कहा सड़कें यहां अभी बन रही हैं। ओडिशा में मालगाड़ी ने ट्रक को मारी टक्कर, पारादीप पोर्ट के पास हुआ हादसा, हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल। झारखंड के जमशेदपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, यहां मंदिर में नौकर की आत्महत्या को लेकर हंगामा हो रहा था। महाराष्ट्र में पुणे की यरवडा जेल से 5 कैदी खिड़की तोड़कर भाग गए, भागने वाले 3 कैदियों पर मकोका के तहत केस दर्ज है, पुणे में हाई अलर्ट। अभिनेता सुशांत राजपूत की महिला दोस्त रिया चक्रवर्ती ने कहा, उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है, सरकार मामले की सीबीआई जांच करे। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर भारतीय सेना का चीन को सीधा संदेश, कोर कमांडर्स की 14 घंटे हुई बातचीत में कहा कि चीन को मई वाली पहली स्थिति पर ही लौटना पड़ेगा, यानी चीनी सैनिक वापस जाएंगे।
यूरोपियन देश फिनलैंड के आसमान में देखा लाल रंग का इंद्रधनुष, एक सैलानी ने कैमरे में रिकॉर्ड किया।